तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथाचित प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण, इसका एक को थोड़ा कम कर दो। हरे कृष्ण, इसका इको है ना, थोड़ी सी इसका इको कम कर सकते कर दिया ठीक। हरे कृष्ण, हरि बोल। कहीं आवाज कहीं। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। ठीक है, हाँ, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। ठीक ठीक है,
देखो आज एक बहुत बड़े संतों का आज इनकी तिरोभाव, तिरोभाव मतलब आज का दिन उन्होंने इसी संसार को छोड़ करके अपना प्रभु का नित्य सेवा में चले गए थे। आज एक बहुत बड़े संतों का आज तिथि है। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु रोज रोज एक भक्त थे जिनका नाम था श्री गदाधर पंडित, वो राधारानी का बता रहे गदाधर पंडित। और चैतन्य महाप्रभु कौन, ये स्वयं कृष्ण है। ये रोज रोज उनको पास में ये कथा सुनने के लिए जाया करते थे। तब श्री गदाधर पंडित महाप्रभु से प्रश्न करते थे, आज आपको कौन सी कथा सुनने चाहते हो, आज आप क्या सुनना चाहते हो। तब श्रीमन महाप्रभु कहते थे, आज हमें भक्तों का कथा सुना, वैष्णव का, संतों का चरित्र, संतों का चरित्र हमें सुना। तब वो गदाधर पंडित प्रश्न करते थे, तुम संतों का चरित्र क्यों सुनना चाहते हो, कारण क्या है। तब श्रीमन महाप्रभु कहते थे, इसलिए मैं संतों का कथा सुनना चाहता हूँ। कहते भक्ति कैसे करनी चाहिए, हैं? भगवान की भजन कैसे करनी चाहिए, जब हम संतों का चरित्र को सुनते हैं फिर हमारे मन में उत्साह आता है, अरे इन्होंने ऐसे भजन किया, इतना हरिनाम करते थे, ऐसे भक्ति करते थे, उनकी चरित्र को सुन करके हमारी मन में भी उत्साह होता था, हम भी ऐसे भजन करें, हम भी ऐसे भगवान की भक्ति करें। इसलिए श्री हरिदास ठाकुर जी जब उन्होंने भगवान की भजन किया तो भजन में बड़ी बड़ी बाधाएं, इसलिए पुराण में एक श्लोक आया, बोले सत्यम सत्नेन विघ्नानानि सहस्राणि तथा तपो। मतलब है अगर आप सच बताने के लिए जाओ तो उसमें 100 विपत्ति है, 100 अगर सत बोलने के लिए जाओ, ये कलयुग है ना, इसलिए सत बोलने के लिए जाओ तो 100 बाधाएं, अगर आप तपस्या करने के लिए जाओ तो उसमें 1000 बाधाएं, अगर भगवान की भक्ति करने के लिए जाओ, भजन करने के लिए जाओ, बोले प्रति स्टेप स्टेप में बाधाएं, हर स्टेप स्टेप में भक्ति में बाधाएं। आप लोगों ने मीरा का नाम सुने होंगे, जब उन्होंने भजन करने के लिए गई उसका पति विरोध हो गए, उसका जेठ विरोध हो गए, उसका ननद विरोध हो गए, उसकी सास विरोध हो गई, सारा दुनिया उसको विरोध में चले गई। लेकिन जब सत्य युग में देखो, ये हर युग में की भजन में बाधा है। सत्य युग में प्रह्लाद का नाम सुने होंगे, जब प्रह्लाद ने भजन करने के लिए गए उसका अपना जो पिता था उसको मारने के लिए कोशिश किया, पहाड़ से लेकर के ऊपर से फेंक दिया उसको पिताजी, इसको आग बंदर में पिताजी बैठा दिया, पत्थर बांध करके समुद्र में फेंक दिया, पहाड़ का ऊपर से नीचे फेंक दिया, उसको सर्प को सामने फेंक दिया। इसलिए सत्य युग में भी दिखाई पड़ता है, जब प्रह्लाद महाराज ने भजन के लिए गए उनका जीवन में भी 1000 बाधाएं आई। तृतीय युग में देखो, जब विभीषण ने प्रभु का भजन करने के लिए गए उसका भैया रावण ही उसका विरोध हो गया, अपना सगे भैया रावण ही उसको विरोध हो गया, बोले खबरदार मेरे देश में राम का नाम तुम ले नहीं सकते, उसको लात मार करके भगा दिया उसको। अब द्वापर युग में भी देखो, कंस जरासंध बड़े बड़े दैत्य लोग आए। इसलिए भक्ति जगत में, हरे कृष्णा, कहते भक्ति जगत में बड़े बाधाएं, बड़ी बाधाएं। इसलिए उपनिषद में बताया भक्ति मार्ग यह कटी कोटा करुध, ये उपनिषद में कहते हैं जो प्रभु का जो भक्ति मार्ग है करोड़ करोड़ कांटा है, करोड़ करोड़ कांटा जुड़ता है। कहते खुरस धारा निशीत दुरतया दुर्गम पतस्तत कवयो बदलती, कवि लोग कहा करते हैं जो प्रभु की जो भक्ति का मार्ग है जैसे एक तलवार के ऊपर में चलना है, एक तलवार के ऊपर में चलना है। अब देखना बेटा, अगर शराब पी रहा है, सिगरेट फूंक रहा है, जुआ खेल रहा है, गंदा काम कर रहे हैं, लेकिन सारा दुनिया कुछ बोलेगा नहीं,
आप थोड़ी सी गले में कंठी पहन लो, थोड़ी सी तिलक लगा लो, थोड़ी सी प्रभु की माला जप करना शुरू कर दो। बोले ये कौन सा बीमारी तुम कहा है? ये क्या सब हरे कृष्ण ये सब क्या कर रहे हो? ये सब तिलक क्या लगा दिया है? मांस नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे, बेड़ी नहीं फूकोगे, ये कौन सा धर्म है? लेकिन गंदा काम करो देखना दुनिया कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन प्रभु का भजन में लगने चल जाओ, सारा दुनिया तुम्हारी परिवार तुम्हारी विरोध में चले जाते, सारा दुनिया तुम्हारी विरोध करने लग जाती। ये क्या सब हरे कृष्ण हरे राम करना शुरू कर दिए। इसलिए ये कलयुग में भक्ति इतने बाधाएं हैं, इसलिए पुराण में बताया यहाँ तक भी जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं कहते स्वर्ग का देवता लोग भी टांग पकड़ कर खींचना शुरू कर देते। साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दो, जो प्रभु की भक्ति करना शुरू करो देवता लोग भी टांग पकड़ कर खींचना शुरू करते हैं। बोले क्यों? कभी भगवान की ये मर्त्य जगत में जन्म लिया है, मर्त्य जगत में उसने जन्म लिया और भजन करते हुए गोलोक वृंदावन वैकुंठ गोलोक वृंदावन में चला जाएगा। स्वर्ग से बहुत ऊपर प्रभु का धाम है, इसलिए यहाँ तक भी देवता लोग भी उसकी टांग पकड़ करके देवता लोग भी खींचना शुरू कर देते। बोले खबरदार भजन नहीं कर सकता, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए माया कलयुग में बड़ा बलवान है, इसलिए भजन में बड़ी बड़ी बाधाएं डालती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जिसने ये गौड़ीय मठ को स्थापन किया है, हैं हमारे गौड़ीय मठ को जिसने स्थापन किया प्रभुपाद, उन्होंने जीवन में बहुत उपदेश दिया, लेकिन उनका जो अंतिम उपदेश था जिस समय शरीर छोड़ रहे थे सारे भक्त लोग बैठे हुए, उनका शिष्य लोग बैठे हुए, तो प्रभुपाद उन्होंने अंतिम उपदेश दे करके प्रभुपाद जाते बोले देखो सत्य लांछना सत्य गंजना सत्य अपमान है, हजार बाधाएं हजार विपत्ति हजार जितने प्रतिकूल अवस्था आने पर भी भगवान की भजन नहीं छोड़ना, भले ही सारा दुनिया छूट जाए लेकिन प्रभु का भजन नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद अंतिम उपदेश देते हैं भक्ति जगत में बड़ी बड़ी आंधी तूफान आएगी है, आंधी तूफान जो प्रभुपाद ने प्रचार की उनको जान से मारने के लिए कोशिश की गई, जो भजन कर रहे थे प्रभुपाद उनको जान से मारने के लिए उनको कोशिश की गई। बोले भगवान की भक्ति प्रचार कर रहे हैं और विशेष करके जो कलयुग है ना, हमारे प्रभुपाद कहते हैं जो कलयुग है अगर कोई शुद्ध भक्ति प्रचार कर रहे हैं कली इसको पीछे लग जाते हैं, क्योंकि हम कली का विरोध करते ना, सिगरेट मत फूंको, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हम कली का विरोध करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं आर्टिकल में है कभी मेरे देश में रह रहे हैं, कलयुग है ना जो कलयुग है, कहते मेरे देश में रह रहे हैं और मेरे राज्यत्व में रह रहे हैं, मेरे खा रहे हैं, सब कुछ मेरे कर रहे हैं और ये मेरे विरोध में जा रहे हैं, भगवान की भक्ति प्रचार करते हो, ऐसे ये कली भी उसको पीछे पड़ जाते हैं, किसी तरह से उसको तोड़ दे, किसी तरह से उसको तोड़ दे, जैसे प्रचार नहीं कर पाए भक्ति नहीं कर पाए। इसलिए प्रभुपाद को भी मारने के लिए कोशिश की गई, क्यों हमारे जो मूल जो जिसने विश्व में महाप्रभु की भक्ति धारा को जिन्होंने प्रचार किया, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने है इन्होंने ये भक्ति धारा को इन्होंने जगत में प्रचार और प्रसार किया है। इसलिए आज जिस महाप्रभु का तिरुभाव तिथि है, जो शरीर छोड़े कहते वो कौन थे? बोले साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये स्वयं ब्रह्मा थे और श्री प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद और ब्रह्मा ये दोनों मिल करके उन्होंने एक रूप लिया है श्री हरिदास ठाकुर, इन्होंने एक रूप लिया श्री हरिदास ठाकुर का रूप में जगत में आए और उन्होंने जब भजन करने के लिए कोशिश की इतने बाधाएं, इनको तो जान से 22 बाजार में जिस समय वो भक्ति कर रहे थे हरिदास ठाकुर जी, जिस समय दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे हैं, 3-3 लाख, 1 लाख हरिनाम तो मन मन में करते थे हैं, 1 लाख हरिनाम जो अपना कान तक सुनाई पड़े और 1 लाख हरिनाम करते थे जोर जोर से
हरे कृष्ण जोर बोलो बोले हरे कृष्ण एवरीबॉडी जय कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे लाडली बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 एक लाख हरिनाम जोर जोर से करते थे। इनको किसी मुसलमान ने पूछा क्यों हरिदास, हमने सुना भगवान का नाम को मन मन में करनी चाहिए, अंदर अंदर में करनी चाहिए मन मन में, तुम तो ये दूसरों को सुना सुना करके हरे कृष्ण क्या ये बताना चाहते हो हम बहुत बड़े साधु हो गए, हम बहुत बड़े भक्त हो गए, दुनिया को सुनाना चाहते हो। तो उन्होंने उनको प्रश्न करते बोले ये बताओ, एक व्यक्ति कमा करके अकेला खाता है, कमाता है वो अकेला खाता है, और एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है, बताओ दोनों में कौन बड़े होंगे। बोले जो पूरा परिवार को खिलाता है। कहते उसी तरह जो व्यक्ति मन मन में हरिनाम करता है वो केवल अपना कल्याण चिंता करता है, उसका केवल अपना ही कल्याण होता है, दूसरे का कल्याण नहीं होता है। लेकिन जब हम जोर जोर से हरिनाम करते हैं, जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जानवर, इनका तो जान है लेकिन ये भगवान का नाम को ये नहीं ग्रहण कर सकते हैं, भगवान का नाम नहीं जप कर सकते हैं। इसलिए जब हम जोर जोर से हरिनाम कीर्तन करते हैं, ये सप्त ब्रह्म है, ये सप्त ब्रह्म है, ये सप्त सामान्य नहीं। इसलिए जब ये हरिनाम जोर जोर से करते हैं, इसका जो वाइब्रेशन चारों सारा दुनिया में जाता है, हैं? इसका जो शब्द ब्रह्म है ना, शब्द कभी नष्ट नहीं होता है। जब हरिनाम करते हैं इसका शब्द सर्वत्र जाता है। इसलिए गुरु जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक पत्थर पानी में फेंको फिर क्या होगा, उसमें लहरी आएगी, पानी में लहरी आएगी, फिर दो बार फिर लहरी आएगी, फिर तीन बार लहरी आएगी। कहते उसी तरह जब हम जोर जोर से हरि नाम कीर्तन करते हैं, ये शब्द ब्रह्म शब्द कभी नष्ट नहीं होता है, ये शब्द का जो वाइब्रेशन चारी तरफ में खिलता रहता है, चारी तरफ में इसका वाइब्रेशन चली जाती है। कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, भगवान का जो नाम है अमंगल को दूर कर देता है और जीवन को मंगल मंगल कर देता है भगवान का नाम। इसलिए बोले जो मन मन में हरि नाम करने पर जो तुम्हें पुण्य मिलेगा, अगर कोई जोर जोर से हरि नाम करेगा तो उसको 100 बार ज्यादा पुण्य मिलेगा, 100 बार, एक बार दो बार नहीं, 100 बार उसको ज्यादा पुण्य 100 बार मिलेगा जोर जोर से हरि नाम करने पर। इसलिए ये हरिदास ठाकुर जी 3-3 लाख है, ये 3-3 लाख ही हरि नाम करते थे, और इनके जीवन में तो इतनी बाधाएं इतनी विपत्ति आई इनको, तो उसी समय में क्योंकि जो भजन करते हैं ना, देखना सारा दुनिया उनको पूजा करता है, हनुमान जी का नाम देखो, तुलसीदास का नाम देखो, हैं? इसलिए जिन जिन्होंने प्रहलाद ध्रुव अंबरीश महाराज का नाम देखो, सारा दुनिया जिनका नाम लेता है, सारा दुनिया जिनकी पूजा करता है, जो भगवान की भजन करता है सारा दुनिया में उसकी जय जयकार होता है, सारा दुनिया उनको पूजा करता है। इसलिए उसी समय में जो एक मुसलमान राजा था, भले इसकी इतने प्रशंसा सारा दुनिया में, सारा दुनिया उसको पूजा करता, मैं सारा दुनिया को मेंटेनेंस करता हूँ, सारा दुनिया को चलाता हूँ मैं, और जिस दुनिया तो मेरा कोई पूजा करता ही नहीं, मेरा कोई नाम नहीं लेता है, और ये कुछ करता नहीं, और माला लेकर के केवल बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, केवल हरि नाम करते सारा दुनिया उसको पूजा करता है। इसलिए उन्होंने बोले खबरदार तुम मुसलमान हो, इसलिए अपना कलम उच्चारण करो, ये हरे कृष्ण नाम को तुम बोल नहीं सकते हो, अपना कलमा को उच्चारण करो। उन्होंने कहा देखो भगवान दो नहीं, भगवान एक है, भगवान एक ही भगवान, भगवान दो कभी नहीं होते हैं। लेकिन उनका नाम कोई अल्लाह कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान तो एक है ना, भगवान तो दो है नहीं भगवान। इसलिए मुझे अच्छा लगता है हरे कृष्ण महामंत्र, मुझे अच्छा लगता है। बोले नहीं,
तो मुसलमान कुल में जन्म लिए हो इसलिए तुमको कलमा उच्चारण करना पड़ेगा, ये हरे कृष्ण नहीं बोल सकते हो। उसने कहा भले ही मेरे शरीर को बोटी बोटी करके काट डालो, मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े मेरे शरीर का कर दो, लेकिन मैं भगवान की भजन कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। सारा दुनिया छोड़ सकता हूँ लेकिन भगवान का भजन कभी, प्रभु का भजन कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। उन्होंने 5-6 सिपाही को बुलाया, अब ले जाए इसको, हरिनाम छोड़ेगा नहीं। उसको 22 मार्केट था उस समय में, 22 मार्केट बोले सबको साथ में, उसको कोड़े में मार मार करके उसको जान से खत्म कर दो। और उसको कोड़े में जोर जोर से मार रहे थे, लेकिन जितने जोर से मार रहे थे वो उतना जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उतना जोर जोर से वो हरिनाम कर रहा था। भगवान स्वयं वैकुंठ से उतर करके आ गए, ठाकुर जी स्वयं नारायण आ गए सुदर्शन चक्र लेकर के, क्योंकि भगवान गीता में प्रतिज्ञा करते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, इसलिए मैं युग युग में अवतीर्ण होता हूँ भक्तों को रक्षा करने के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। भगवान स्वयं कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर प्रकट हो गए, बोले सबको मैं मार डालूंगा। लेकिन जो संत होते हैं जो भक्त होते हैं, बोले संत हृदय नवलीत समाना, जो संत का हृदय है वो मक्खन से भी ज्यादा कोमल संतों का हृदय है, है? लेकिन हरिदास ठाकुर जी मार रहे थे उनको, लेकिन वो उनका कल्याण सोच रहे थे, बोले हे प्रभु ये अज्ञानी है, इनको धर्म कर्म पता है ही नहीं, ये अज्ञानी है, आप इनके अपराध को माफ कर दो, इनके अपराध को आप माफ कर दो। इनको प्रार्थना कर रहे थे, भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के आए थे, कल इनको सब का मैं मार डालूंगा, मेरे भक्तों के ऊपर में अत्याचार है मेरे भक्तों के ऊपर में। लेकिन देखा हरिदास ठाकुर उनका ही कल्याण सोच रहे हैं, पर भगवान ने अपना पीठ को उसको पीठ में लगा दी, अपना उन्होंने उनको ऐसे पकड़ ली, हरिदास ठाकुर को ऐसे पकड़ लिए, उन्होंने पकड़ लिए तो जितने पिटाई हो रही थी ना हरिदास ठाकुर के ऊपर में नहीं सबके सब भगवान के ऊपर लग रहा था। ठाकुर जी सारे जो कोड़े में मार रहे थे चाबू से भगवान ग्रहण कर रहे थे, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ, 22 बाजार में उसको मारे कुछ भी नहीं हुआ। जब कुछ भी नहीं हुआ फिर तो उन्होंने फिर उन लोगों ने सोचा राजा तो विश्वास करेगा नहीं, एक व्यक्ति को 5-6 व्यक्ति मारने के लिए कोशिश करे मरेगा नहीं, क्या हो सकता है, एक मिनट में खत्म हो जाएगा, गला दबा दो एक सेकंड नहीं लगेगा खत्म हो जाएगा। लेकिन 6-7 हैं वहां 6-7 व्यक्ति कोशिश कर रहे मारने के लिए, कुछ नहीं हुआ, जितने जोर से मार रहे थे वो उतना जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उतना जोर जोर से कर रहे थे भगवान का नाम को, इतने जोर जोर से ले रहे थे। जब उन लोग ने दुखी हो गए, बोले महात्मा जी अगर आप नहीं मरोगे ना ये राजा विश्वास नहीं करेगा, 6-7 आदमी मिलकर के तुम मार नहीं पाए राजा तो हमें मार डालेगा। तब हरिदास ठाकुर ने कहा मेरे वजह से तुम्हारी कष्ट होगा, बोले हाँ, बोले चिंता मत करो मैं मर जाता हूँ। तब उन्होंने समाधि में बैठे गए, समाधि मतलब संपूर्ण अपना मन को भगवान के चरण में लगा दिया, ठाकुर की चरण में उन्होंने लगा दिया, ऐसे लगा तो समाधि में बैठी गई, लेकिन उनको लगा जैसे मर गया हाँ, लेकिन उनको उठा करके राजा के सामने फेंक दिया, बोले इसको हमने मार दिया, वो तो मुसलमान है, बोले मुसलमान होकर हरे कृष्ण बुलाए ना, उसको कब्रगाह मत दो, कब्रगाह देने पर स्वर्ग जाएगा, उसको गंगा में फेंक दो, उनको तो पता नहीं गंगा क्या है, गंगा तो भगवान के चरणों में, तो उसको शरीर को फेंक दिया, उनको सोचा इससे मर गया, लेकिन मरे नहीं, फिर दूसरे साइड में फिर दूसरे किनारे में लगे, फिर जिंदा हो गए, सारा दुनिया को पता चला ये मर गया, लेकिन दूसरे तरफ में लगे किनारा में फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरि हरि नाम करते करते आ रहा है। ला रे ये तो मर गया था, जिंदा कैसे हो गया? बोले भैया ये तो जिंदा वीर है, ये कोई जीवंत महापुरुष है, मरने के बाद दो बार जिंदा कैसे हो गया है? इसलिए इनके ऊपर में कितने बाधा कितने विपत्ति आए, लेकिन प्रभु का भजन इन्होंने नहीं छोड़ा। इसलिए हरिदास ठाकुर सिखा देते, देखो जब भगवान की भक्ति करने जाओगे ना, सारा दुनिया तुम्हारे विरोध में लग जाएगी, सारा दुनिया तुम्हारे प्रतिकूल में सारा दुनिया हो जाएगी, भाई बंधु पुत्र परिवार सारा दुनिया तुम्हें, लेकिन दुनिया भले ही छूट जाए लेकिन भगवान की भक्ति हमारी नहीं छूटनी चाहिए है। जो भक्ति का मार्ग, हमारे गुरु जी बड़े गुरु जी कहते थे, हमारे जो बड़े गुरु जी वो कहते थे जो भक्ति मार्ग है ना वो कायर का मार्ग नहीं है। कायर समझते हो? कहते ये कायरों का मार्ग नहीं, ये सूरवीर का मार्ग है। कहते कायरों का मार्ग नहीं, थोड़ी सी भक्ति किया कोई विपत्ति आ गया हरिनाम भजन वही पर रख दिया। अरे नहीं, कहते ये कायरों का मार्ग नहीं, कहते ये सूरवीर का मार्ग गुरुदेव कहते थे। बोले सूरवीर मार्ग मतलब, अब देखना जब कोई योद्धा युद्ध करने के लिए जाता है, जब कोई योद्धा युद्ध करने के लिए जाता है उसको ऊपर में जितने पिटाई पड़ता है ना उसका खून उतना खोलता है, उसका अंदर में युद्ध करने का उतना ही क्या आता है, साहस आता है और युद्ध करना। ऐसे कोई प्रहार हो गया वहीं पर खत्म हो गया, अरे हमको मार दिया वहीं पर नहीं। कहते सूर्य सूर्यवीर का मार्ग है, भक्ति करने जाओगे हजार बाधाएं आएगी, जितने बाधाएं आएगी जैसे सैनिक है उसको ऊपर जितने प्रहार होता है उतना उसकी साहस उतना ताकत उतना उसको बल आता है, हैं? कहते भक्ति मार्ग ये सूरवीरों का मार्ग है, ये कायरों का मार्ग नहीं, ये कायरों का मार्ग नहीं, ये सूरवीर का मार्ग ही भक्ति मार्ग। इसलिए श्री हरिदास ठाकुर जी की जीवन चरित्र पढ़ने पर हमें बहुत शिक्षा मिलता है, हमें प्रभु की भक्ति जगत में कैसे भक्ति में टिकी रहनी चाहिए इसकी बड़ी हैं बड़ी जरा बहुत शिक्षा मिलता है। जब भगवान की कोई भक्ति करता है देखना सारा दुनिया में उसका नाम जाता है। थोड़ी सी प्रभु का भजन करो, इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं भक्ति का तीन स्टेजेस है, पहले श्रद्धा और साधन, दूसरा भाव और तीसरा प्रेम। उनका तीन स्टेजेस है भक्ति की, साधन स्टेज, भाव और प्रेम। कहते जब एक साधक साधन करता है कहते उसका अंदर में दो लक्षण देखने को मिलता है, क्या क्या कितना लक्षण, दो। बोले दो लक्षण क्या, दो चीज क्या देखने को मिलता है, दो चीज ये है कहते हैं क्लेशग्नि और सुभदा। क्लेशग्नि मतलब होता है जितना जीवन का क्लेश है वो सारे खत्म हो जाते हैं, सुभदा मतलब होता है सारा दुनिया में उसको जय जयकार होने लग जाते हैं, सारा दुनिया में उसकी जय जयकार होने लग जाती है। अब देखना प्रभु की थोड़ी सी भक्ति प्रचार जय जयकार होने लग जाती है, है? इसलिए जब हरिदास ठाकुर जी भजन कर रहे थे सारा दुनिया में उसको जय जयकार, हरिदास ठाकुर की जय, जोर से बोलो, बोले से हरिदास ठाकुर की जय, उसकी जगत में बड़ी जय जयकार हो रहा था। बावरे तिल्ला करे नाम करते भजन करते, अभी उसको पीछे माया पड़ गई। अभी जो उसी समय एक था रामचंद्र खान, उसने देखा ये तो कुछ करता नहीं, हाँ दिन भर क्या भजन हरे कृष्ण करता है और देखो मैं इतना बड़ा जमींदार, मेरा तो कोई नाम नहीं लेता, सारा दुनिया में इसका नाम, सारा दुनिया में इसकी नाम होते जा रहा है। अभी माया उसको पीछे पड़ गई, उसने देखा उसको हम नीचा कैसे दिखाए, सारा दुनिया में उसको नीचा कैसे दिखा दे। देखा नीचा देखने का जो भजन करते हैं ना उनको नीचा देखने का सबसे एक उपाय है किसी लड़की को फेर में माया में उसको डाल दो, बस सारा दुनिया में उसकी बदनामी हो जाएगी। उसी समय में एक लख हीरा नाम को वेश्या थी बड़ी सुंदरी, उसका नाम ही लख हीरा, उसी समय में फेमस वो वेश्या थी। इन्होंने सोचा अगर किसी तरह से इनकी माया में इसको अगर लगा देना फिर तो इसका सारी दुनिया में बदनामी हो जाएगी। वो राजा ने लख हीरा को गुप्त रूप में भेजा, बुलाया, बोले देखो एक काम कर सकती हो, बोले बताओ, बोले वो जो गंगा किनारा में एक हरिदास ठाकुर भजन करते हैं, बोले हाँ, बोले तुम अपना चक्कर में उसको अपना माया में उसको लपट सकती हो,
अपना माया में उसको वसीभूत कर सकते हो, बोले मेरे लिए कौन सा बड़ी बड़ी काम है। मैं उसका नाम ही तिलक खेरा, बहुत ही वो सुंदर थी, लेकिन बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर थी, बोले मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं, बोले अगर ये काम को तुम कर लिया ना, मुंह मांगी तुमको भेंट दूंगी, पर छोली भर दूंगी रत्नों से। बोले कोई चिंता मत करो महाराज जी, बोले देखो तुम्हारे पीछे पीछे कुछ गुप्तचर भेज देता हूँ, जब वो बाबा तुम्हारे साथ में लिप्त तो हो जाएगा ना, फिर उसी समय रंगे हाथ से उसको पकड़ लेना, उसको रंगे हाथ से पकड़ लेना। बोले ठीक है। अभी वो वेश्या की आगे बड़ी सुंदर सज धज करके, बड़ी सुंदर श्रृंगार करते हुए, और वो बाबा गंगा किनारे में बैठ कर रात भर तिल्ला का हरिनाम करते थे, बोले रात भर हरिनाम करते थे, तुलसी को सामने बैठ करके प्रभु का भजन करते थे। अभी लखे हीरा वेश्या ने बड़ी सुंदर श्रृंगार करते हुए रात आधा में पहुंच गए, पहुंच करके बोले बाबा बाबा तो इतने जवान, उस समय उनका उम्र एकदम यंग उम्र था, एकदम यंग उम्र था और बड़े सुंदर थे। बोले आप इतने सुंदर हो, ये जवानी को आप क्यों बर्बाद कर रहे हो, दिन भर भजन करते हुए देखो मैं कितने सुंदर हूँ, आप भी कितने सुंदर हो, हैं, इसलिए आओ मेरे को अपना संग प्रदान करो। जब उन्होंने ये बात को बताई, लेकिन वो संत है ना, इसलिए उन्होंने तो गद्दी भाव से बताया अपना संग दो, लेकिन हरिदास ठाकुर उसको अपना स्वभाव से लिया, जैसे हम साधु संग करते हैं, हैं? जैसे संतों का हम संग करते हैं, मतलब क्या है, उनसे कथा सुनते हैं, उनकी कहते चलो सत्संग हो रही है, चलो हम साधु संग में जाएंगे। अगर संतों का संग में जाओगे तो संत क्या देगा, हरिनाम तो देगा, भक्ति तो बोलेगा, वो तो गंदी भाव से बोली, लेकिन उन्होंने उसको उल्टा भाव से लिया, बोले भैया मैं तो साधु हूँ, वो मेरी संग चाह रही है। बोले देखो दिन में मैं 3-3 लाख हरिनाम करता हूँ, 3-3 लाख हरिनाम करता हूँ, जब तक ये माला मेरी पूरी नहीं हो जाता है ना, मैं कोई काम नहीं करता हूँ, वहां बैठ जाओ हरिनाम सुना, जब मेरी माला पूरी हो जाएगी ना, तुम्हारी इच्छा को मैं भी पूरी कर दूंगा। अभी वो बैठ गई और हरिदास ठाकुर तो हरे कृष्ण चाहती, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी वो रात भर हरिनाम तिल्ला हरिनाम करते ना, हरिनाम करते रहे। वो जो वेश्या थी तरह तरह से हाव भाव कटाक्ष हैं, अपना हैं, अपना रंग भंग तरह तरह से कैसे को आकर्षण करे वो कोशिश करती है, लेकिन हरिदास ठाकुर कौन है, वो साधारण नहीं, वो स्वयं ब्रह्मा जी, वो स्वयं प्रह्लाद है। हम कहते ना भक्त श्रेष्ठ प्रह्लाद महाराज की जय, के भक्त श्रेष्ठ प्रह्लाद है और स्वयं पितामह ब्रह्मा जी, ये दोनों मिल करके उनका जो एक रूप है, कि हरिदास ठाकुर ये कोई साधारण जीव नहीं है, साधारण जीव नहीं। इसलिए वो बैठ करके जान बूझ करके उन्होंने जोर जोर से हरिनाम करना शुरू किया, जैसे उसको कानों में भगवान के नाम जैसे उसको कान में पड़े। वो तो पहला रात को बड़े हाव भाव कटाक्ष तरह तरह से उसको आकर्षण करने के लिए कोशिश किया, तरह तरह से कोशिश की, लेकिन वो तो प्रभु का भक्ति में डूबे हुए संत हैं, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। अभी ऐसे ही रात पूरा की पूरा रात बीत गई, उन्होंने देखा, बोले देखो बाबा आप तो मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। उसने कहा देखो आज तो मेरी माला ही पूरी नहीं हुई, कल आ जाना तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। देखो ये वेश्या एक भाव से कह रही है, लेकिन वो दूसरे भाव से ले रहे हैं। वो वेश्या कह रहे हैं तुम अपना संग क्यों नहीं दिया, वो कह रहे मैं संत हूँ, मैं संत हूँ, मैं संग दूंगा, यही तो तेरे को दे सकता हूँ, भक्ति तो दे सकता हूँ, देख आज रात को तेरी इच्छा मैंने पूरी नहीं कर पाई। मतलब क्या, अब जो साधु संग तुमने करने के लिए आया, साधु तुम्हें क्या देगी, भक्ति देगी, प्रेम देगी, मतलब आज तुमको मैंने बदला नहीं पाया संग से, कल तुम्हारे चित्तों को मैं बदला दूंगा, इसलिए कल तू आ जाना। तब रात को जब वापस आया, राजा ने पूछा क्या हुआ, सब हो गया, बोले थोड़ी सी बाकी रह गई, कल उसको हम देखते हैं। उसने कहा आज मेरी माला पूरी नहीं हुई, कल उसको मैं, वो अपना प्रेम में कल मेरे फंसने वाले, चिंता मत करो। दूसरे दिन आए, दूसरे दिन आते, बोले बाबा आज वापस नहीं भेजना, बोले एकदम नहीं, तुम बैठ जाओ,
पास वो बैठ गई, हरिदास ठाकुर जी माला ले गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, लाड ले बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब रात भर भजन कर रहे, वो बेसिया तरह तरह से हाव भाव कटाक्ष से तरह तरह से हैं नाच गान करने लगे, लेकिन वो तो प्रभु का भजन में पूरे बैठे हुए। दूसरे रात में भी उसको कुछ हुआ ही नहीं, बोले बाबा आज भी मेरे समय को तुमने बर्बाद कर दिया, आज भी मेरी तुमने इच्छा पूरी नहीं कर पाई। वो हरिदास ठाकुर ने कहा देख मैं बहुत दुखी हूँ, आज भी मेरी माला पूरी नहीं हुई, आज भी मैंने अपना हरिनाम को पूरी नहीं करना, कल आ जाना, कल करके एकदम वापस नहीं भेजूंगा। मतलब क्या है, कल जरूर तुमका हृदय तुम्हें जरूर परिवर्तन करा दूंगा। संगत संतों का संग चाह रहे थे ना, हरिदास ठाकुर का संग, इसलिए भक्त तो भक्ति देते हैं ना। कल तुम्हें वापस नहीं भेजूंगा, तुम्हारा काल कल्याण ही कर दूंगा। अभी दो रात तक तो उसने हाव हाव कटाक्ष करती रही, लेकिन जब तीसरे रात में आई ना और इधर उधर कुछ नहीं की, वो एकदम चुपचाप बैठी रही। चुपचाप बैठी करके जब हरिदास ठाकुर हरिनाम कर रहे थे, केवल हरिनाम को सुनते रहे, केवल हरिनाम को सुनते रही, और हरिनाम सुनते 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 महाप्रभु कहते हैं ना, चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। अगर भगवान के नाम सुनेंगे तो क्या होगा, चेत रूपी जो दर्पण है वो साफ हो जाता है, हृदय रूपी कुमुद खिल जाती है, विद्या रूपी बधु का जीवन धन्य हो जाता है, प्रति पद पद में एक दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं भगवत के नाम से। अभी एक शुद्ध भक्तों का मुंह से कथा सुन रहा है, शुद्ध भक्तों का मुंह से प्रभु का नाम ले रहे सुन रहे, वो तो साधारण है, तो शुद्ध भक्त है, हैं? इसलिए शुद्ध भक्त है, उनके नाम में तो प्रभाव है, इसलिए नाम सुनते 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 उसके हृदय एकदम पवित्र हो गया। जब आधा रात हो गई ना, उसने रोना शुरू कर दी और जा करके हरिदास ठाकुर का चरण में गिर पड़े, बोले बाबा बाबा मेरे अपराध को माफ कर दो, मैं एक बेस्या हूं, मेरे को जो रामचंद्र खान है ना वो आपको फंसाने के लिए मेरे को भेजा था, कैसे तुमको अपना प्रेम में फंसा दूं और जगत में तुम्हारी बदनामी हो जाए, हैं? तुमको नीचे गिराने के लिए उसने मेरे को भेजा था, तुमको पतन कराने के लिए, दुनिया में बदनाम कराने के लिए, इसलिए मैं बहुत दुष्टा हूं, लेकिन आपकी कृपा से मेरे हृदय परिवर्तन हो गया, आप मेरे ऊपर भी कृपा करो, आशीर्वाद दो, मैं और ये बेस्या काम करना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ भजन करने के लिए। हरिदास ठाकुर ने कहा देखो मेरे को सब कुछ पता था, तुम कहाँ से आए, क्या करना चाहती हो, मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि वो संत है ना, सब जानता हूँ, लेकिन केवल तेरे उद्धार करने के लिए मैं तीन दिन तक तेरे उद्धार के लिए यहाँ रहा, दुनिया में दिखाना चाहता था भगवान की भक्त में कितने शक्ति है और भगवान के नाम में कितने शक्ति है, ये दुनिया को मैं दिखाना चाहता था, इसलिए तेरे लिए मैंने तीन दिन फिर रहा है। एक काम करो, तुमने ये वेश्या के काम से जितने पैसा कमाया, बहुत बड़ी सुंदर थी उसी समय, सबसे प्रसिद्ध थी वो, बहुत पैसा उसने कमाया था, बोले पाप से जितने पैसा तुमने कमाया ये पैसा को जा दान रूप में सब ब्राह्मण को दे दो और एक वस्त्र पहन करके तू आ जा। उन्होंने गई, सारे पैसा उसने लुटा दी, हैं, दान पुण्य करके केवल एक कपड़े पहन करके आ गए, बोले जा गंगा में स्नान कर जा। गंगा में स्नान की, जब स्नान की तो उन्होंने ऐसे ऐसे माला और झोली दी, बोले देखो रोज रोज 1,00,000 हरिनाम करना, रोज रोज 1,00,000 हरिनाम करना, और ये तुलसी और ये रूप हार तेरे को मैं दे रहा हूँ, मैं तो और कहीं जा रहा हूँ, तुम यहीं पर बैठ करके रोज तुलसी के सामने बैठ कर हरिनाम करना, तुलसी में रोज पानी देना, तुलसी परिक्रमा करना और 1,00,000 हरिनाम जप करना रोज रोज। तो हरिदास ठाकुर जी उनका हरिनाम दिए, फिर वहां से चले गए। वो जो बेस्या थी ना, इतने बड़ी वो साधु बन गई, वो इतने बड़े साधु बन गई,
और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं सही वैश्या हैल परम महांति बड़ा बड़ा वैष्णव आचार दर्शन दे जाती। वो वैश्या इतने बड़े संत बन गई, इतने बड़े संत, बड़े बड़े साधु उसको दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते थे हैं। और वो जो रामचंद्र खान था ना, अरे ये क्या हो गया, मैं तो इसको भेजा था उसको फंसाने के लिए, लेकिन तो उन्होंने उनको परिवर्तन कर दिया उन्होंने, और परिवर्तन करके साधु बना दिया हैं। इतने बड़े वैश्या उसने साधु बना दिया और जगत में उसका नाम इतना हो गया है ना जगत में हैं। इसलिए श्री हरदास ठाकुर जी की कृपा से ये लख्य हीरा वैश्या भी परिवर्तन होकर के भगवान की भजन में उसने लग गए, उसने प्रभु की भक्ति में लग गए। इसलिए ये हरदास ठाकुर जी की अद्भुत जीवन है, अद्भुत जीवन है। आज का दिन जब जगन्नाथपुरी में रहते थे महाप्रभु इनको पास में रोज आते थे, चैतन्य महाप्रभु इनको भगवान की प्रसाद देते थे। इनका नियम था जब तक ये 3 लाख हरिनाम पूरी नहीं कर लेते है ना, तब तो कुछ भोजन नहीं करते थे। पहले 3 लाख हरिनाम करके फिर किसी चीज को भोजन करते थे, उसको पहले भोजन नहीं करते थे। एक दिन एकदम वृद्ध हो गए, अभी शरीर छोड़ने वाले महाप्रभु जो प्रसाद लेकर के आए, बोले हरिदास लो प्रसाद लो। बोले प्रभु आज मैं प्रसाद नहीं ले सकता। बोले क्यों? बोले आज ये मेरी माला पूरी नहीं, 3 लाख हरिनाम पूरी नहीं। बोले देखो उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी। बोले हरिदास सारा जीवन तुमने 3-3 लाख हरिनाम किए, 3-3 लाख हरिनाम किए, अभी तो वृद्ध हो गए हो, थोड़ा हरिनाम कम करो, थोड़ा भजन कम करो, क्या जरूरत अभी भी 3-3 लाख हरिनाम करने का, थोड़ा तो भजन कर दे। वो क्या कहते हैं? बोले प्रभु मेरे शरीर तो सुस्त है, शरीर अच्छा है, लेकिन जो मन है ना असुस्त बुद्धिमान, ये मन बड़ा बदमाशी है हाँ, ये मन बड़ा बदमाशी है, ये मन भजन करना नहीं चाहते। इसलिए हमें ये शिक्षा देते हैं, नियम है, देखो नियम है, जब गुरु जी से हम माला लिए हैं, गुरु जी जब हमें ये माला दिए, ये माला नहीं गुरुदेव कृष्ण को हमें दिया है, कि कलयुग में भगवान ये माला रूप में आए हैं। इसलिए बोले कलयुग को केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय रखे भगवान के नाम जप कर, और कुछ भी कलयुग में करने का जरूरत नहीं, केवल हरि नाम ही कर, इससे ही हमारा कल्याण होने वाला। इसलिए वो शिक्षा देते हैं गुरु जी से, जब एक बार हम माला लिए हैं, नियम है कुछ माला करके तब भोजन कर, ऐसे नहीं सवेरे 1-2 बजे तक टीवी देखे, 3 बजे तक टीवी देखे और सो गए, और सवेरे उठे उठ करके हाथ मुंह किसी तरह से धोए और ब्रेड खाए और काम में चले गए, और अपने काम नहीं, पहले सवेरे नहा धो करके पहले अपना तिलक लगाओ, उसके बाद में अपना गुरु मंत्र का जप करो, ठाकुर जी का आरती करो, तुलसी परिक्रमा करो, भगवान की थोड़ी सी माला जप करो, फिर दिन भर अपना काम करो। भक्त लोग का काम नहीं, भक्त लोग का सेवा है, ठाकुर जी की जो कुछ करते हैं ठाकुर को सेवा के लिए करते हैं। इसलिए जो सवेरे कुछ समय प्रभु का भजन में थोड़ी समय दिया करो, पूरा 1 घंटा रख लो, सवेरे नहा धो करके तिलक करके अपना गुरु मंत्र हरिनाम तुलसी परिक्रमा ठाकुर जी की आरती कीर्तन करके 1 घंटा तो प्रभु का भजन में लगाएंगे, उसको बाद में दिन भर फिर अपना काम करो। इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इसको ध्यान देकर सुनो, बहुत कीमती चीज बता रहे हैं प्रहलाद महाराज बच्चों को। बोले देखो बच्चों, जगत में कोई भी दुख को निमंत्रण नहीं देते हैं, जगत में कोई भी दुख को अपना घर में निमंत्रण नहीं देते हैं। कोई निमंत्रण देते हो घर में दुख आए, कोई देते हो घर में निमंत्रण दुख आए, लेकिन ये बगैर निमंत्रण के ये दुख आता ही नहीं, बगैर निमंत्रण के ये दुख घर में आता कि नहीं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई दोस्त से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई मन से दुखी, दुखी दुखी क्यों? कोई दुख को क्या निमंत्रण देते हो घर में हमारे दुख आए, कोई देते हो घर में? कोई ये प्रभात महाराज बच्चों को समझा रहे, बोले कोई भी दुख को निमंत्रण नहीं देते हैं, लेकिन बगैर निमंत्रण के ये दुख घर में आता कि नहीं बता, बगैर निमंत्रण के घर में दुख आता कि नहीं?
आता है कि जब तुमको बगैर निमंत्रण से ये दुख घर में आता है, अगर यहाँ पर अगर तुम्हारे लिखा हुआ है ना तुम्हारा जीवन में सुख है, ये ललाट में अगर लिखा हुआ सुख है वो जरूर सुख आएगा, सुख कहीं जाएगा नहीं, ये सुख आएगा ही है क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा हुआ तुम्हारी होने का। इसलिए प्रहलाद महाराज के बच्चों को शिक्षा देते, देखो बच्चों भगवान की भक्ति को द्वारा जीवन में जैसे सुख की प्राप्ति होगी, प्रभु की भक्ति को द्वारा दुनिया में और किसी उपाय के द्वारा जीवन में सुख कोई प्राप्त कर ही नहीं सकते। उतना ही सुखी रहेंगे जितने भगवान की भक्ति करेंगे, उतना ही दुखी रहेंगे जितना दुनियादारी वस्तु में मन को लगाओगे, उतना ही सुख मिलेगा जितने प्रभु की भजन में। सारे दुख का जो मूल कारण है प्रहलाद कह रहे हैं, सारे दुख का मूल कारण है कृष्ण बोली सही जीव अनादि भयो, चूंकि हम भगवान के भजन हमने छोड़ दिया है इसलिए ये सारे दुख का कारण है। प्रभु का भजन करना शुरू कर देते सुख अपने आप आ जाएगा, सुख ढूंढने का जरूरत नहीं, केवल प्रभु का भजन करना शुरू कर दो, प्रभु की भक्ति करना शुरू कर दो, प्रभु का भक्ति से ही जीवन में सारे सुख प्रभु की भक्ति से ही आ जाएगी है। इसलिए सुख तभी मिलेगा जब प्रभु का भजन करेंगे। इसलिए सबर क्या करना, करोड़ों काम अगर हो कहते अगर सौ काम को छोड़ करके ना अपना काम करो, अपना धंधा करो, बोले हजार काम को छोड़ करके अपना भोजन करो, लेकिन करोड़ों काम को पीछे रख करके अपना भजन करो, करोड़ों काम को पीछे रख करके अपना भजन करो। भगवान जिस काम के लिए ये मानव शरीर दिया है प्रभु का भजन के लिए, खाना पीना सोना जन्म देना बच्चों को लालन पालन करना, ये तो हर जीवन में जीवित करता है, हर जीवन में करता है। इसलिए पहले क्या करो, अपना हरिनाम करो, माला जप करो, भक्ति करो, फिर दिन भर अपना काम करते रहो, प्रभु अपना ठाकुर का सेवा मान करके दिन भर अपना सेवा ठाकुर का काम करते रहो, ठीक है ना। इसलिए महा हरिदास ठाकुर कहते प्रभु जी अभी मैंने ये माला पूरी नहीं कर पाई, ये मन बड़ा दुष्ट है। अब देखना ये मन हर काम के लिए तैयारी हो जाता है, सारथी में जाने के लिए पहले तैयार रहेगा, पार्टी में जाने के लिए पहले तैयार रहेगा, सिनेमा देखने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन जब गुरु का प्रभु का भजन की बात बताओ ना तो सब बहाना बनाएगा, नहीं समय नहीं था, ये नहीं हो पाया, ये और बहाना और किसी काम के लिए नहीं बनाएगा। जब प्रभु का भजन का बात बताओ ना, अरे ये नहीं हो पाया, ये नहीं था, सारे तो बहाना केवल प्रभु का भजन के लिए। इसलिए हरिदास ठाकुर कहते बोले प्रभु जी असुस्थ बुद्धिमान, मेरा जो मन है ये बड़ा दुष्ट है। तब उन्होंने बोले महाप्रभु आपको दर्शन करते करते आपका नाम लेते लेते मैं चाहता हूँ ये प्राण को मैं त्याग दूँ, ये शरीर को त्याग दूँ। महाप्रभु अपना भक्त लोगों को साथ में आए, सामने महाप्रभु खड़े भक्तों को साथ में हरिदास ठाकुर जी भगवान को दर्शन करते करते उनके चरण को अपना हृदय में धारण करते हुए और श्री कृष्ण न चैतन्य नाम को उच्चारण करते करते उन्होंने अपना अंतिम श्वास को त्याग दिया। सारे देवता लोग देख कर आश्चर्य हो रहे थे, इनकी इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु। तब जब उन्होंने इच्छा किया तब उन्होंने शरीर को छोड़ा और प्रभु का दर्शन प्रभु का नाम लेकर लेते महाप्रभु अपना गोद में उनको गोद में उठा करके ले गए और उनका शरीर को श्री जगन्नाथपुरी में समुद्र में स्नान कराया। बोले समुद्र अभी तो तीर्थ था, अभी तीर्थ नहीं, अभी तो महातीर्थ हो गया। महाप्रभु अपना हाथों से उनको समाधि दिया महाप्रभु और उनके लिए महाप्रभु आनंद बाजार जगन्नाथपुरी में भिक्षा किया महाप्रसाद को और सारे भक्तों को बैठा करके इन्होंने प्रसाद खिलाया, अपना हाथों से महाप्रभु सबको खाना खिलाया। अब महाप्रभु ने वरदान दिया, बोले देखो ये हरिदास ठाकुर जी के निर्जान थे में जो व्यक्ति उनको साथ में समाधि में गए, जो थोड़ी सी रेती दिया, यहाँ तक भी जो केवल प्रसाद इनकी उत्सव में केवल प्रसाद सेवा किया, सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ तुमको अचिराद में कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम अचिराद तुमको प्राप्त होगा। महापुरुष सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया। हाँ देखो आज जो है ना आज इनकी तिथि है, आज से हरिदास ठाकुर जी का टुडे इज द वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे, यू नो टुडे हरिदास ठाकुर जी लेट दिस बॉडी, महाप्रभु गेव ऑर्डर, गेव टू मर्सी इफ टुडे समबडी लिसन हरिकथा
and to take if somebody to prasad this utsav festival mahaprabhu ke benediction to everybody one day you must get krishna bhakti krishna prema so mahaprabhu ke everybody benediction so today is a very very auspicious day you are everybody come to here listening hari katha and eat to prasad okay now vijay prabhu we can tell little bit about haridas thakur aaj thodi si 2 minutes mein aaj आज आप आदेश पाल रहे हैं कोई बात नहीं हरिकथा गुरुदेव बोलते थे जब किसी वैष्णव के उद्देश्य में थोड़ी सी कथा बोलना उनके चरण में फूल देना होता है उनके चरण में फूल देना होता है उनका चरण वाक्य हाँ वो भी बोलेगी कोई बात नहीं आ जाए दो सबका सब दो दो मिनट सब बोलेगी आ जाए थोड़ी थोड़ी आ जाए बोले श्री हरिदास ठाकुर की बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि भक्ति माय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुर्भ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसारी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम पेइंग माय अनलिमिटेड लव्स प्रणाम टू माय बिलव्ड परम गुरुदेव निचलीला Also to his beloved disciple Om Vishnupad, also to Sita Srisimad Bhaktivedanta Brahmaraj, and also to merciful lotus feet of Nityananda, Om Vishnupad, also to Sita Srisimad Bhaktivedanta Sri Ramaraj, who is present here, to all the gurus in Anuparuga Gurulai, to all the Vaishnavas, Vaishnavis, and also to all the respected guests. So although my health is not so good today, I'm very happy that you all came and Maharaj spoke today very wonderfully about the glories of Namacharya Haridas Thakur. He's a very prominent acharya in our line. And actually, if we only follow his life story, and only hear the whole life, his life story, only that, then we can achieve the highest goal by only hearing his Harikatha. Because in this Kali Yuga, there is only one way to approach and to get the Lord's mercy, and that is chanting of the holy name. That's why it's said Harir Naam, Harir Naam, Harir Naam, Eva Kevalam Kalo Naasteva, 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 Kataranyata. So we have all heard this Naam Tattva, that by the mercy of the Lord Mahaprabhu, he came more than 500 years ago in this Brahmanda, in this earth planet, and he showered that his mercy through this holy names. But he gave instructions to all his bhaktas to spread this message while he came in this material world. What was his mission? So that's why on this disappearance day of Haridas Thakur, we are getting extra bonus mercy. Why? Because when we see the Lord is coming and we are celebrating his Janam, then we're not celebrating when he's going away, Aparkat Lila. We're not doing that.
But when the devotee is taking birth, we are celebrating this, but when he is going also to uppercut, when he is leaving his body, this day is also very, very auspicious. Because for the devotees who are living nearby the devotees, it's a very hard time when Gurudev or some big Vaishnava is leaving his body. So much emptiness is there. But simultaneously, this Mahabhagavat is now in union with the Lord. And in this spiritual atmosphere, a big feast is going on. We are feeling separation here, but there he is getting union with the Lord. So there is a big feast going on. And by going into this separation and union mood and celebrating this auspicious day of disappearance day of Mahabhagavas like Haridas Thakur, there's lots of benefits in it. There's lots of mercy. So Maharaj just told the story, life story of Haridas Thakur, and there was a disciple, Govind, was the personal associate of Mahaprabhu, who did all the seva of Mahaprabhu. And Mahaprabhu was always sending Govindji to go to Haridas Thakur, because Mahaprabhu knew that Haridas Thakur was chanting so much Trilak's name every day. And he was not concerned about what to eat, how to make the body healthy or something like that. His concern was not in that. He was always dedicating to the holy names. So that's why Mahaprabhu had to say, if you are totally surrendered to Sanatgati under the holy names, under the guidance of the Vaishnavas, then Krishna is saying in the Bhagavad Gita, everything I will arrange for you. When we think that everything, I'm in control of everything, I have to arrange everything, then Krishna is saying, okay, acha, karo, do yourself. But when we are very dependent on the Lord's mercy, then the Lord is acting in this way. So Haridas is demonstrating this. He's totally depending on the Lord, and he's totally surrendered under the chanting of the holy names. Because of this, Mahaprabhu, as Krishna came in this world as Mahaprabhu, he was always sending his servant to Haridas Thakur, give him something, prasad. But one day he came to Haridas Thakur, and that day Haridas Thakur didn't want to take prasad. He said, I'm ill, I'm sick, Govindji. And Govindji thought, what is happening? And your body is a little bit ill, can I do some seva for you? He said, no, I'm not concerned about my body, because today I couldn't complete my rounds. I couldn't complete my rounds, that's why I'm feeling sick. And because of this, I cannot eat, I will fast till I finish my round. So Govindji, he was very, you know, concerned about Haridas Thakur, because there was his old age of Haridas Thakur. And he ran to Mahaprabhu, and Mahaprabhu, he told, oh Mahaprabhu, I'm very concerned about Haridas Thakur. He's not eating anything and he only wants to finish his rounds, but he cannot. What to do? So Mahaprabhu went to him, saying, oh Haridas, what is happening? You're feeling sick? He said, yes Mahaprabhu, today I'm willing to chant my rounds, but my hands are not moving anymore. My fingers are not moving anymore. I'm trying to concentrate to the beats, but it's not working. I'm feeling very hopeless. That's why I'm feeling not that I cannot take prasad after I finish. And something in this occasion happened also. Why? Because Haridas Thakur was feeling very sad also. Why? Because Mahaprabhu, he knew, he was a Mahabhagavat, that Mahaprabhu will leave his body in a certain time. In a short time, he would not be here in doing his lila. Haridas Thakur knew this. And in the same conversation, he told to Haridas Thakur, to Mahaprabhu, Haridas Thakur told to Mahaprabhu that, please Mahaprabhu, be merciful to me. Please let me leave my own body first before you're leaving your body. I cannot bear the separation
and seen the leela of your uppercut. I will not bear that. Please let me go first. He told to Mahaprabhu. I said, Mahaprabhu, how can I do that? What kind of benediction you are asking me that I have to give mercy that you will leave your body? How can I perform? I need all my bhaktas. I need all my bhaktas to perform leela. Without my bhaktas, I cannot perform leela. So how can you ask me that I am giving you this mercy to leave your body? But then Haridas Thakur was begging to Mahaprabhu, please Mahaprabhu, grant me this mercy. Let me leave my body before you are leaving. I know you are going to leave very short time. Please. And by doing this, Mahaprabhu gave this benediction. And short after, Haridas Thakur was chanting his vows, and he left his body. And Mahaprabhu came with all his bhaktas, Suluk Damodara, Ramananda Roy, everyone, he came. And he saw Haridas Thakur's body. And tears were weeping in Mahaprabhu's eyes. Tears were weeping, could not stop. And he took Haridas Thakur's body upon his. And he was chanting the holy name, and Mahaprabhu was dancing with his body on his arms. He was going, spinning like a madman with tears, and all the tears were going around him. So much crying he was doing. And today he said, today I'm giving that this Haridas Thakur is Naam Acharya. I will give his name. It's Naam Acharya. He showed us that how you can be totally fixed in the holy name and everything will be taken care of. He took the oath of chanting 3 lakhs name. It's like 129 rounds, 92 rounds. It's like that. It's like almost 22 hours chanting. Only 2 hours left for eating and sleeping. 22 hours he was daily, not one day, daily in years, he was only chanting the holy name and surviving like that. So that's why Mahaprabhu told him, today everyone will remember this. Haridas Thakur is Naam Acharya. He is the Naam Acharya. And by doing this, all the bhaktas has gave Haridas Thakur Samadhi. With their own hands, they were digging. And Mahaprabhu was also doing this. And with his Mahaprabhu came, and with his own hands, he gave Haridas Thakur Samadhi and buried him. And big feast was there. And everyone was served prasad and everything. So you can imagine why this story is very purifying. When we listen, when we observe in this kind of story of this kind of big personalities, then some impression will come in our heart from what I'm actually doing in my life, how I'm wasting my life in such a other things which is coming to me, and how many hours I'm actually dedicated to chant the holy name. When we are feeling very weak, we have to think of Haridas Thakur. How in his old age, he was chanting 3 lakhs name, and he could live like that. No other concern he had. So that's why Maharaj has also told that it's very auspicious to come to hear this class of Haridas Thakur. Actually, Haridas Thakur has many, many sikshas in his lifetime. If you see how he actually was tolerating everything. He was actually a Muslim person. He was born in a Muslim family, you can imagine. And so much hard time he got from all this Muslim community that he took this Harinam from Mahaprabhu. And still, Maharaj was telling, he got so many obstacles. People were throwing stones at him. 22 markets or 23, I don't know, markets. People were throwing stones at him because he was chanting as a Muslim the glories and the Harinam, Mahamantra. Still, what was he praying? You can imagine, if people are throwing stones at you, how angry you can come with doing that, because it's hurting very much. But what was his prayer? His prayers was, please Mahaprabhu, save them. They don't know what they are doing. Please, don't be mad at them. They are just, innocent people.
please grant him their mercy. So that is the mood of a bhakta. Always try to grant mercy like Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj was also, although his father Maharaj was telling, was in different ways, he tried to kill him. But end of the, when Narasimhadev asked him a boon, he said, please, Prabhu, deliver my father. Although the father was such a hard person, still his prayer was, deliver my father, please. Please deliver my father. So that is Paradukhi Dukhi. The mood of a Vaishnava is not only at one person, it's always for everyone. Everyone who is willing to get help, who are taking shelter of a Vaishnava, is the duty of a Vaishnava to help such a person in every way. Although such a Vaishnava, Prahlad, what was prayer of Prahlad? Let me go to hell. Let me go to hell if I can save one person. Let me go to Narak if my duty is to save everyone. That is the one. They are not concerned about themselves. They are always concerned of someone else. And that is the power of Vaishnava. It's the power of a bhakta. And that is the mood we are trying to get. To never be selfish. Krishna bhakta nishkam ata eva sham. Krishna bhakta nishkam. They are not having any desire of their own, but only please the Lord and His devotees. So that is what is our mood. We have to get in our heart. Try to be like Haridas Thakur. Try to be like Prahlad Maharaj. By only listening to this storyline, because Prahlad Maharaj came as Haridas Thakur also. But only Haridas Thakur's his story and Prahlad Maharaj's story is sufficient actually to come on the platform of a Vaishnava. So that's why I'm very happy that Maharaj was merciful. Although I'm not feeling today for speaking, but still, he grabbed my krach, how you call that, something, and he put me here in this place, gave me some mala, some mercy. So somehow or another, I got inspired to speak something. I didn't know what to speak, but still something came into me, and I hope that something you got as this impression. And I'm thanking you all for coming. For this program. One check out what will be checking out. Thank you for your time and your wish for you. Thank you for your time. Thank you for your First of all, I want to pay my hearty obeisances to my spiritual master, Icharila Purushto Abhishnupada, Srila Rang Goswami Maharaj, also the same, to my Sicha Guru, Icharila Purushto Abhishnupada, Srila Gorgina Maharaj, also to our beloved Sridhar Maharaj, who came here mercifully to learn us so much, to guide us in our path of bhakti. He is the one who actually who asked Vijay and to take her out to do this seminar, Bhagavad Gita seminar. And by his mercy, Vijay started to the Bhagavad Gita seminar. So we are very much indebted to him, to Maharaj, that he is here and came here also. Today is a very special day. We have so much to learn on this day. So many teachings are here. Maharaj also was speaking today in the morning about Haridas Thakur. Just now you listened also to his Harikatha, about the glories of Haridas Thakur. Just now also about Vijay Prabhu, also spoke nicely. And the thing is that we have to be very strong in bhakti.
if you want to be very strong, we have to remember Prahlad Maharaj also, and Haridas Thakur, how they, about their examples, and about the, also the Leela of Brahma, because Haridas Thakur is Prahlad Maharaj and Brahma alone. We see that Prahlad Maharaj, so many obstacles he faced, but he didn't give up his bhajan. And it is like this, that if we, like our Guru Vargas, they are coming, instructing us. We are so many teaching we are getting from teachings of Prahlad Maharaj. That, but the thing is, everything which we have to do, we have to do under guidance. Like, if you are practicing bhajan, if you are in a part of this, then it is very important that how to guide also others, that we will not become in a trap of Maya. Like, we can guide everyone, we can do our bhajan, but we should be very careful that we should, like Maharaj was saying, that if you that the prostitute came to Haridas Thakur, who was chanting the Naam, and what he was doing, he was showing example that if someone comes to, like a woman, lady, who very beautiful, came to him, then he was instructing him, not speaking all the time to that prostitute, but we see that he was chanting Harinam also, and also teaching how to chant Harinam, so that we can, he didn't have time to do other things. So it's very important to follow these teachings. And we see that chanting, we should continue with chanting, because sometimes we are thinking, oh, we are not having any benefit from chanting, nothing is happening. But we see, if we continue to chant, like if you are digging, we want to find water, if we want to dig the hole, but continue digging, then finally we will find some water. So we should continue to dig the hole by chanting and have full faith in this. And also we see that Krishna was very pleased with Brahma, because of his lila, because he stole all the cowherd's boys, Krishna could continue with this lila, because actually he was, we see that Brahma was fulfilling something which was very a desire of Krishna, because inside it was like this, all the Brajavasis wanted to have Krishna as their son. Some of the Brajavasis wanted to give breast milk to Krishna. And also some wanted to be like the son of Krishna. Also even the cows, they wanted to have a calf, a son like Krishna. Everyone had a desire. And many gopis, they wanted Krishna as their husband. But what happened, because of the because Brahma took all the stole all the cows and cowherd's boys, what happened? Krishna manifested at so many personalities to fulfill the desires of them. Like that time when it happened, all the parents, they were feeling the breath, but actually it was Krishna who was present there. All the cows who were hidden by Brahma, actually Krishna took the role and came as a cowherd boy. And so later on, all the young gopis who wanted to get married, actually it was Krishna who came in the form of a gopa to fulfill the desires of the gopis. So many things happened. That's why, that is the reason why Krishna was pleased at the same time with Brahma. And also, we see that Prahlad Maharaj came in the body of also Haridas Thakur, but it is like
It was, Maharaj mentioned also in the morning that it was like in his past life, it was like this, that he, Haridas Thakur, it was in his past life, Prahlad Maharaj, isn't it? He made a mistake because he wanted to offer to the Lord a pork, but what happened? He offered Vitusi, because if you offer prasadam to the Lord with Vitusi, then the Lord is accepting the offering. But what happened? He made a mistake. He offered Vitusi without washing Vitusi, and that by that he came in also in the body of as a Muslim. Thus, Haridas Thakur came in the body of a Muslim because in his past life he made a mistake. So there are so many teachings, and so I will stop here, and I hope that today, on the day of today, that you are praying to have the strength that everything, our preaching, everything will be successful under the blessings of Maharaj, that Vijay will, like Maharaj, engage him in this mission, that he will successfully continue with his mission and reach his goal in this lifetime, and bring us also there. Okay, I will stop here. Vancha Kalpatru Vashyati Pasi. Time ho gaya? Time ho gaya na? Aarti karenge. Hari Bol. Everybody stand up. Nahi to nahi aarti karte. Aarti karenge na? Kirtan karenge. Aarti ke sab saman hai. Aarti ke liye sab kuch hai ki nahi? Vijay. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Bol, Hare Bol, Hare Krishna, Hare Bol, Hare Krishna, Hare Krishna, Sri Radha, Hare Krishna, Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Thank you.
Yeah.
Thank you.